बेटियां नेपाली गोरखाओं ने निकाल दी शेखों की सेखी। एक तरफ बारिश का कहर तो दूसरी तरफ नेपाली गेंदबाजों ने जमकर मचाई तबाही। ताश के पत्तों की तरह बिखर गई यूएई की बल्लेबाजी। दुबई के शेख अपने घरों में शेर चीतों को बांधकर इस गुमान में जीने लगे थे कि वो नेपाली शेरों का शिकार कर लेंगे, लेकिन एक बार फिर शेखों की शेखी नेपाल के सूरमाओं ने निकाल दी, ध्वस्त कर दिया यूए की बल्लेबाजी को, परखच्चे उड़ा दिए। जिस लम्हे का नेपाल की जनता को लंबे समय से इंतजार था, उस लम्हे का गवाह बनने के लिए आज मैदान में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। बार बार बारिश के बावजूद नेपाल के क्रिकेट प्रेमियों का हौसला टस से मस होने को तैयार नहीं था। नेपाल के क्रिकेट प्रेमियों को मालूम था कि बारिश आएगी, इसीलिए अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए साथ में छाता और पॉलिथीन लेकर क्रिकेट के मैदान में डटे रहे। नेपाली गेंदबाजों ने भी उन्हें निराश नहीं किया। यूएई के कप्तान मोहम्मद असीम को लेकर नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने कहा था कि सबसे बड़ा खतरा वही है, लेकिन सोमपाल कामी ने वसीम को सस्ते में निपटाकर यूए की बोहनी बिगाड़ दी। उसके बाद आए तमाम बल्लेबाज, एक के बाद एक आते रहे और जाते रहे। केवल आसिफ खान ने कुछ प्रतिरोध जरूर किया, बाकी कोई भी बल्लेबाज नेपाली गेंदबाजों के आगे टिक ही नहीं पाया। नेपाल की तरफ से सबसे पहले सोमपाल कामी और करण केसी ने तेज गेंदबाजी से यूए को पस्त किया। उसके बाद ललित राजवंशी और संदीप लामिछाने जैसे फिरकी गेंदबाजों ने यूए की धज्जियां उड़ा दी। नेपाली गेंदबाज ललित राजवंशी ने 3 विकेट, संदीप लामिछाने ने 2 विकेट और करण केसी ने 2 विकेट लेकर यूए को घुटनों के बल बिठा दिया। यूएई और नेपाल के मुकाबले को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि यूए की कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली टीम ये मैच खेल रही थी। यूं लग रहा था मानो नेपाल के सामने कोई गली क्रिकेट खेलने वाली टीम फाइनल खेलने उतर गई हो। एक भी बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज का सामना कर ही नहीं पाया। जिस भी बल्लेबाज ने जो शॉट हवा में लगाए, उसे नेपाल के तेज फील्डरों ने बाज से भी ज्यादा फुर्ती से कैच लपक कर यूए के बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। यूए की बल्लेबाजों की हालत आया राम और गया राम वाली हो गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूए की टीम पूरी तरह धराशायी हो गई। अगर बारिश ने इस मैच को पूरा होने दिया तो ये नतीजा नेपाल के पक्ष में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब यूए की टीम को सिर्फ बारिश से ही सहारा है। डर भी इसी बात का है कि कहीं बारिश नेपाल की उम्मीदों पर पानी ना फेर दे। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गगन गगन झुकाए जग रख हौसला, कर फैसला तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंद है, रुकना तो बंद है, साहब चल बंद है। Passion for cricket in Nepal. पानी पिला दी और ये वो, अबे भाई छोटा काम नहीं है, ये होता है कोच। अबे भाई वी नीड दिस दीस काइंड ऑफ कोचेस मेरे भाई। पाकिस्तान में मोंटी डिसाई जैसा कोच चाहिए पाकिस्तान टीम को। हमारी टीम की हालत देखो, हम भी टीम से हार गए यार। कल पाकिस्तान की टीम का मैच हो जाए नेपाल से और टीयू क्रिकेट ग्राउंड में हो जाए तो भाई पाकिस्तान कैन नॉट बीट नेपाल इन टीयू क्रिकेट ग्राउंड। उनके होम में आप नहीं कर सकते उनको बीट भाई। साफ सी मेरी बात ले लो, अच्छी लगे बुरी लगे यार, जिस तरीके से मैं क्रिकेट देख रहा हूं ये होती है डोमिनेशन यार।
नेपाल की डोमिनेशन देखो यार, आप अपने घर में क्या डोमिनेट कर रहे हो, जेड टीमों से हार रहे हो आप, क्या मारा है नेपाल ने उनको, बजा दिए यार अपने घर में बुला के। ये मेहमान नवाजी है नेपाली यार आपकी, घर में मेहमानों को बुलाया, ऐसा चमाटे लगाए, ऐसे चमाटे लगाए, मतलब यू यू क्या मारा है यार आपने, पहले ओमान को मारा, अब फिर इनको मारा, अभी फिर 21 को ओमान को मारना है। बहुत प्यारी भाई, यही डोमिनेशन मुझे चाहिए यार, ये होती है प्योर डोमिनेशन, प्योर क्लास भाई। अब क्या नेपाल एशिया कप पक्का हो गया है यार? नेपाल एशिया कप देखो, पक्का एशिया कप नहीं हुआ, पक्का इनका स्पॉट हो गया सेमीफाइनल का और फाइनल का स्पॉट। जिस तरीके से ये टीम है मेरे भाई, 230 रन चेस कर रही है टीम विदाउट एनी प्रेशर यार, विदाउट एनी प्रेशर 230 रन कम नहीं होते मेरे भाई 50 ओवर्स में इन फ्रंट ऑफ। और हैट्स ऑफ टू नेपाल क्राउड, अगेन अ बिग क्राउड, मतलब यार क्या बोलू, नेपाल बॉलिंग वॉज वीक नहीं यार आतिफ भाई, नेपाल बॉलिंग में सीधी सी बात बताऊं, नेपाल शुरू में एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहा था प्लान्स, और शुरू के मुश्किल है सफर पर मुसाफिर, ओ कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर, कदम कदम मिला है जा गगन गगन वक्त बदलना है। चलना तो बंद आया, रुकना तो बंद आया, आप चल बंद आया, चलना तो बंद आया। आया ना।